नमस्ते सबको, और आज जो जो मीडिया फ्रेटर्निटी आए हैं सबको थैंक यू फॉर कमिंग एंड हम लोग का इसको कवर करने के लिए। आज के दिन हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जितना डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स बॉडी है सबको इनवाइट किया था। हम लोग ने मीटिंग बैठा कि रिगार्डिंग आवर जो लॉन्ग पेंडिंग स्टेडियम जो यहाँ पे हमारे आर ओ पे बन रहा है, तो इसको हम कैसे ये ऑपरेशनल कराना है। और हमारा जो वेस्ट सियांग जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन सब मिल के हम लोग ने डिसाइड किया था कि डिसाइड किया है कि 20 को हम लोग रैली कर रहे हैं, पीसफुल रैली। उसके लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाए हैं, जिसमें टोटल हमारे साथ 9 स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट के आए हैं, जिसमें है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, वेस्ट सियांग साइकिलिंग एसोसिएशन, वेस्ट सियांग ताइक्वांडो एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट के वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन हमारे साथ आज मीटिंग बैठा है। तो आज का मीटिंग का मुद्दा ये था कि हम लोग कैसे हमारे ये जो 10 साल से लॉन्ग पेंडिंग, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गया है जो लॉन्ग पेंडिंग जो स्टेडियम जो ऐसे बन पड़ा है, इसको हम लोग रिवाइव कैसे करेगा बोल के। और हमारे जो कमिंग डेज में जो 20 में हम लोग ने डिसाइड किया है कि रैली रखेगा बोल के, उसको कैसे करके हम लोग आगे बढ़ाना है बोल के हम लोग उसके लिए आज मीटिंग बैठा था। तो सबको हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो ये 20 को हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो रैली हम लोग डिसाइड किया है, उसमें सब लोग आइए, क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं है, ये सब पब्लिक के लिए है। और आप लोग सब जानते हैं कि कितना ऑलमोस्ट 1 डिकेड हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स लवर्स है, स्पोर्ट्स हम लोग एथलीट्स है, उन लोग को एकदम ये स्टेडियम ने पूरा करियर को ख़राब करके रखा है। तो इसको जैसे भी करके ये 20 तक हम लोग ऑपरेशनल जैसे कैसे इवेंट कराएगा, वो कैसे इवेंट हो सकता है, उसके लिए हम लोग जैसे भी करके ये इसको ऑपरेशनल बनाना है बोल के हम लोग ने आज मीटिंग कॉल किया है। तो उसके आगे उसके बाद हम लोग क्या क्या करेगा ये हमारे जातुम बागरा सर जो बताएगा। जी इसने कहा तो हमारा यहाँ बहुत सालों से ये विक्रा पड़ा हुआ है हमारा ये ओपन आउटडोर स्टेडियम, जहाँ में हमारा कॉन्ट्रेक्टर ने कॉन्ट्रेक्टर काम करने लायक नहीं हो रहा है अभी। तो हम लोग का अभी आज का मीटिंग का माइनूट जो हम लोग का था, हम लोग जैसे भी हो 20 को रैली कराना है एनी हाउ। उसका बाद आपका फील्ड को हम लोग खेलने लायक तक बनाना है, रीऑफरेट करना है कि फील्ड को। पहले वेस्ट सियांग जो है एक स्पोर्ट का हब था, यहाँ में आपका फुटबॉल बोलो, वॉलीबॉल बोलो, क्रिकेट बोलो, एथलेटिक्स बोलो, अच्छा अच्छा प्लेयर्स निकलता था वेस्ट सियांग से। लेकिन अभी जब से ये बंद पड़ा हुआ है, तब से स्टेट सेलेक्शन में भी काफ़ी पुअर, मीन्स आपका पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। आप वॉलीबॉल बोलो, फुटबॉल बोलो, मीन्स हमारा यहाँ में युवा लोग क्या हो गया कि अभी ऑलमोस्ट 1 जनरेशन ये फील खा दिया हम लोग का युवाओं को जो स्पोर्ट लवर है। क्या पता कोई कोई अभी नेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो भी सकता था, लेकिन अच्छा खिलाड़ी लोग भी अभी हम लोग देखा गया है। तो अभी वेस्ट सियांग में किस लिए ड्रग्स बढ़ रहा है, किस लिए अल्कोहलिक बढ़ रहा है आपका युवा लोग, क्योंकि इसमें आपका डाइवर्ट खेलकूद में उन लोग का डाइवर्ट करने का ही जगह नहीं है। अभी आप हायर पीर बोलो खेलने लायक नहीं, कहीं पीर बोलो खेलने लायक नहीं है। ये स्टेडियम आपका आउटडोर स्टेडियम बोलो, ये तो अभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम वेस्ट सियांग का जितना भी पब्लिक है, जितना भी माँ बाप है, अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच के आप लोग ये 20 को आइए। स्पेशली हमारा GWS वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, KKWS, KKSU, कासा, KVSA, हिरिखिरु ईस्टर्न यूनियन, पाक्तुवेद बांगो वेलफेयर सोसाइटी, पाक्तुवेद बांगो ईस्टर्न यूनियन, GICC, DDC, डाउस, माउस, माया, PBWS, PBSU, अलवास, अक्सा, NBWS, NWS, पाइवा, अपवास और अपर मार्केट, ऑल मार्केट, गोमी नगर मार्केट, न्यू मार्केट, बोगदो मार्केट, ये सभी लोग को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग 20 को जैसे भी भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए जितना हो सके। अभी हम लोग ये स्टेडियम के लिए हम लोग किसी को डिफेंड भी नहीं कर सकते हैं, किसी का पास जा भी नहीं सकते हैं। जब भी किसी का पास जाओ, किसी को रिक्वेस्ट करो, और लोग को एश्योरेंस पे एश्योरेंस मिल रहा है, तो अभी हम लोग किसको भरोसा करें। अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो फंड अवेलेबल करके रख दिया, कॉन्ट्रेक्टर ऑफरेड नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रेक्टर लेबर नहीं ले पा रहा है, कॉन्ट्रेक्टर काम शुरू नहीं कर पा रहा है। इसलिए अभी लास्ट ऑप्शन है पब्लिक मोमेंट, आपका पीसफुल रैली होना है 20 को। उसका बाद क्या करना है क्या नहीं करना है पब्लिक के ऊपर है, ये फील्ड को कैसे रिवाइव करना है, फील्ड को कैसे अभी खेलने लायक तक बनाना है,
इसमें गवर्नमेंट फंड दो मौत दो, हम लोग इसको फिर को ऑपरेशनल लाइक होने तक हम लोग करना है और इसमें खेल कूद शुरू करना है। अभी इसको हम लोग ऑपरेट इसलिए करना है कि हम लोग इसलिए इसको लीडिंग पार्ट ले रहे हैं कि हम लोग का ये हम लोग से रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, इसका अंदर में जितना भी यहाँ में DSA है स्पोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन लोग हम लोग का अंदर में आता है। तो पील नहीं होने से हम लोग एसोसिएशन बना के काम नहीं है, पील नहीं होने से हम लोग यहाँ में लीडिंग पार्ट लेके हम लोग का पोस्ट बुक के काम नहीं है। हम लोग का काम क्या है, हम लोग फील्ड होना है, फील्ड में हम लोग का एक्टिविटी कराना है, ये है हम लोग का काम। उसका बाद मेन ये है कि हम लोग इसको अपना स्पोर्ट पैटर्निटी लोग हम लोग टेक ओवर इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम लोग किसी को भी डिफेंड नहीं करेगा इसको टेकअप करने के लिए, हम लोग पब्लिक लोग का साथ कोऑपरेट करेगा, पब्लिक का साथ हम लोग जितना अवेयरनेस करना है हम लोग करेगा। और आप लोग मीडिया लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी अवेयरनेस में आप लोग सपोर्ट कीजिए ये मुद्दा में, ये इश्यू में, ताकि कल को हम लोग का बच्चों, हम लोग का युवा, हम लोग का कमिंग जनरेशन खेलकूद में आगे बढ़ सके। अभी सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट कोटा में बहुत आसान है नौकरी पाने के लिए, लेकिन ग्यारह बार का 251 कोटा में भी हमारा वेस्ट सैंक्शन नील है, किस लिए है ये माँ बाप लोग सभी इसको जानिए, किस लिए फील नहीं है। आप अच्छा फील होगा हम लोग का ऐसे अच्छा खिलाड़ी निकलेगा, फील नहीं होगा खिलाड़ी नहीं निकलेगा, और यह में ड्रग्स एडिक्ट ज्यादा बढ़ेगा, अल्कोहलिक ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप लोग हम लोग को साथ दीजिए ये मुद्दा में। और ये वेस्ट सियांग का जितना आपका स्टूडेंट यूनियन और यूथ एसोसिएशन, यूथ बॉडी और स्टूडेंट बॉडी, जैसे कि आपका कारगू खर्दी स्टूडेंट यूनियन, हिरी खिरू स्टूडेंट यूनियन, पख्तू एत बांगो स्टूडेंट यूनियन, ऑल दारका स्टूडेंट यूनियन, ऑल आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल कोम्बो स्टूडेंट यूनियन, निको बांगो स्टूडेंट यूनियन, पुशू बांगो स्टूडेंट यूनियन, उबू बांगो स्टूडेंट यूनियन, ऑल तादिन स्टूडेंट यूनियन, पाइवा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, GSU, आप लोग को सभी को हम लोग का तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जैसे भी ये 12 जून का 2 तारीख को यही जगह में तोशी होटल में आइए, आप लोग का हम लोग का साथ आप लोग का एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, और ये आगे 20 तारीख को क्या करना है नहीं करना है इसको हम लोग आप लोग का साथ डिस्कस करने दिले। इसलिए जितना भी अभी यहाँ में वेस्ट सियांग में यूथ एसोसिएशन और स्टूडेंट यूनियन है, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, और ये 12 का 2:30 PM को आप लोग जैसे भी तोशी होटल में आइए हम लोग का साथ डिस्कस करने के लिए। आप लोग को हम लोग का जितना यहाँ में डिस्ट्रिक्ट का आपका स्पोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन है आप लोग को इंतजार करके बैठेगा, उम्मीद करता है कि आप लोग ये 12 को 2:30 PM को जैसे भी आएगा। थैंक यू सर। हमारे तरफ से ये होगा कि वो पब्लिक जब आएगा, पब्लिक का पब्लिक मोमेंट तो हर कोई जानता ही है। इससे पहले हम लोग अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीके को, टीके कंपनी को, आप लोग अपना मेटेरियल जो है फील का बाहर रखिए। आप लोग को हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप लोग को कंस्ट्रक्शन मत करो, आप लोग का फार्म को ब्लैकलिस्ट मत करो, ये नहीं बोल रहे। हम लोग ये बोल रहे कि आपका इक्विपमेंट मटेरियल्स मशीनरी ये 20 से पहले आप फील का बाहर में रखिए, आप कंस्ट्रक्शन करते रहिए। हम लोग का पील से आपका सामान को इक्विपमेंट मटेरियल्स मशीनरीज को आप हटा दीजिए, पील को हम लोग ऑपरेशन लाइक तक हम लोग बना देगा, और उसमें हम लोग बच्चों लोग को खेल कूद शुरू कराएगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम केंतो है, DFA सेक्रेटरी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का अंदर में हम लोग सब आता है, तो हम लोग का मेन बॉडी जो है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन है। तो हम कुछ जस्ट आप लोग को बताना चाहेगा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को, ये 2016 से पील नहीं होने का कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग DFA भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग हर साल कहीं ना कहीं बस्ती में रिक्वेस्ट करके ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन वो जैसे आलो ग्राउंड में जैसे हम लोग को सुविधा होता है, और जैसे हम लोग यहाँ में खेलाने में जैसे माहौल होता है ऐसे माहौल नहीं मिलते हैं। और उसी कारण आप शाम को देखिए, आप रास्ता का सामने लड़का लोग बियर पकड़ के बैठता है, दारू पकड़ के बैठता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब काम करके बैठता है। तो अगर ये ग्राउंड को हम लोग फंक्शन होने तक 20 को कर सकता है, तो लड़का लोग यहाँ कहीं ना कहीं घूमने फिरने का अलावा यहाँ लड़का लोग आके अपना गेम कुछ भी फुटबॉल को छोड़ के कोई भी कुछ भी करके यहाँ में वो लोग अपना एंगेज रहेगा। तो हम सभी फुटबॉल प्रेमी
नॉट ओनली फुटबॉल सभी स्पोर्ट्स पे मिली ये को रिक्वेस्ट करता है कि ये बार ओलंपिक एसोसिएशन का साथ दीजिए और आइए ये जैसे भी ये रैली में पार्टिसिपेट कीजिए हम लोग को, और स्पेशली फुटबॉलर लोग को बोलता है कि आप लोग जैसे भी इसमें साथ दीजिए, ये हम लोग का जब तक ये ग्राउंड नहीं होगा हम लोग का फुटबॉल में लड़का लोग को नीचे जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और लड़का आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप लोग जैसे भी मीडिया लोग को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपील कीजिए, सब आइए और ये रैली में